हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश मशीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हम देख रहे हैं जिस 2 दिन से कि मार्केट पर जिस तरीके से अच्छी रैली आई है। जब हमने देखा था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी थी, उन्होंने जब कॉर्पोरेट टैक्स का जो कट करा और जो हमारी मार्केट को बहुत अच्छे सरप्राइजेस दिए, तो हमने देखा कि जो हमारी मार्केट थी वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ी। हमने ये देखा था कि जब ये न्यूज़ आई तब हमने हमारी मार्केट ने बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ मूवमेंट करी। तब भी हमने देखा था कि मार्केट पहले जो थी वो अपने लोस की तरफ ही चल रही थी, जो उसका प्रीवियस लो था। सो गाइस, किस तरीके से ये रैली आई है, ये रैली के बारे में हमें क्या पहले से पता चल गया था? हम देख रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि जो ये 2 दिन के अंदर 4,000 पॉइंट की रैली आई है, निफ्टी के अंदर 1,000 पॉइंट की रैली आई है, इसके बारे में हमें पहले से पता चल गया था। पर जो टेक्निकल इंडिकेटर्स थे, जो टेक्निकल चार्ट्स थे, वो बता रहे थे कि फ्राइडे के सेशन में कुछ बहुत तेज़ी होने वाली है या कुछ ऐसा होने वाला है बहुत तेज़ी से, कि अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे मार्केट का देखने का सेंटिमेंट है वो पूरा बदल जाएगा। इन द सेंस, हमारी मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही थी या चार्ट ये सजेस्ट कर रहे थे कि अगर मार्केट गिरती है फ्राइडे को, तो बहुत तेज़ी से हम देखेंगे कि मार्केट में गिरावट आने वाली है, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और अगर मार्केट बढ़ती है तो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। सो गाइज, वो कैसे पता लगाया हमने और वो चार्ट्स में कैसे दिख रहा था, उसकी वीडियो गाइज मैंने थर्सडे को ही बना दी थी शाम को, और आपको बता दिया था कि कुछ भयंकर होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है और फ्राइडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। तो जाके अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी होती तो गाइज जाके एक बार देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा बहुत प्रूफ के तरीके से चाहिए या नहीं चाहिए। पर इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप हर पॉइंट में वो आप कैसे पैसा कमा पाते हैं और किस तरीके से ट्रेड ले पाते हैं, अगर आपको पता होता जो मैं सोच रहा होता। और अगर आपको सिर्फ 2 चीज़ें आती, कोई आपको ट्रेंड एनालिसिस आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत थी, आपको सिर्फ 2 चीज़ें अगर पता होती, या अगर आप अपने निफ्टी बैंक निफ्टी में 2 चीज़ें भी लगा लेते, तो भी जाके गाइस आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेते। जो आपको ये रैली दिख रही है ना गाइस, इस रैली का आप 70 या 60% आप आराम से कमा चुके होते। कैसे कमा चुके होते हैं, मैं आपको चार्ट्स में लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम कर चुके हैं। अब गाइस, हम देख सकते हैं कि ये रैली तो इतनी बढ़ चुकी है। अब गाइस, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर हमने रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा, या हम देख रहे हैं कि चलो हमने हमने रैली में थोड़ा बहुत भी पार्टिसिपेट कर लिया, पर अब हम क्या करें, अब आगे भी कल जब ट्यूजडे को मार्केट खुलेगी, जब 24 सितंबर को मार्केट खुलेगी, क्या दोबारा हम बैंक निफ्टी में 1,000-1,500 रुपये की मूवमेंट देखेंगे? अब किस तरीके से हमें काम करना है, अब हम उसकी स्टडी करेंगे गाइस, और किस तरीके से ट्रेड लेना है अब उसकी स्टडी करेंगे। तो बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स में मैं आपको लेकर आ गया गाइस। निफ्टी से पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ही था जो मेरा एक फेवरेट कंटेंट था। अब मैं आपको बैंक निफ्टी में लेकर चलता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करा हुआ है, ठीक है गाइस, जो आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट ओपन करा हुआ है, और मैं इसमें सिर्फ 2 चीज़ें लगाऊंगा। आप देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन जो मैंने लगा रखी है, तो सिर्फ मैंने बैंक निफ्टी में एक ही बार लगा रखी है, निफ्टी में भी मैंने नहीं लगा रखी। जो 2 चीज़ें की मैं बात कर रहा था, अगर आप अपने चार्ट में लगाते तो आपको 60 या 70% जो हमने देखा जो मूवमेंट हुई है उसका 60-70% आप कैप्चर कर लेते। वो क्या था, पहला तो था मूविंग एवरेज, सिर्फ 2 मूविंग एवरेज गाइस, 100 दिन की और 50 दिन की, और दूसरी चीज़ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, मूविंग एवरेज और फिबोनाची का लेवल। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास चार्ट में लगी हुई होती तो आप ज़रूर पैसा कमाते, और अगर आपको इसकी समझ होती देखने की। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करना था। अब देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में थर्सडे के सेशन पे जो हमने ये गिरावट देखी थी गाइस, अब देख सकते हैं हमने ये गिरावट देखी थी थर्सडे के सेशन पे, और जब मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर ने सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो सपोर्ट लेने के बाद मुझे पता था कि यहाँ से एक बाउंस आना ही आना है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ गाइस, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक दिन के अंदर हमने अच्छी खासी रैली देखी, एक दिन के अंदर हमने जो रैली देखी गाइस वो हमने लगभग हमने 1200 पॉइंट की रैली देखी थी गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरी बात, जब हमने यहाँ पर बॉटम टेस्ट करा तो हमें कम से कम एक हफ्ता लग गया कम से कम 1000 पॉइंट तक की रैली दोबारा देने। अब हमने तीसरी बार बॉटम टेस्ट करा, तीसरी बार जब हमने बॉटम टेस्ट करा तो हमने देखा गाइस कि प्रीवियस बॉटम्स को अगर हम देखें कि यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल में बॉटम टेस्ट करा, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल में बॉटम टेस्ट करा,
यहाँ पर रेड कैंडल में बॉटम टेस्ट करा। और जो मैं आपको बता रहा था कि फ्राइडे को बहुत ज्यादा तरीके से मूवमेंट हो सकती है, वो बैंक निफ्टी में नहीं छुपा, वो निफ्टी में छुपा, इसलिए मैं आपको वो मैं बाद में उसका एनालिसिस करके बताऊंगा कि वो बैंक निफ्टी में ऐसा क्या छुपा हुआ था कि मैंने आपको बताया कि फ्राइडे को बहुत तगड़ी मूवमेंट हो सकती है ऊपर या नीचे और कैसे हो सकती है। सो गाइस अब देखते हैं कि हमने देखा कि ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, तो मेरी तरीके से जो अपसाइड है वो अपसाइड है कि यहाँ से हमें बाय करना है। हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट होना चाहिए 28,000 का, ठीक है गाइस, 28,000 का हमारा टारगेट होना चाहिए। दूसरी बात, अब यहाँ पर मैं आपको एक एनालिसिस दिखाता हूँ, मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ जो पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के अंदर बना है, ठीक है गाइस। सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन यूज कर देता हूँ पैटर्न के लिए, सिर्फ आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से क्या पैटर्न बना है। उसके लिए मैं ये जो लाइंस मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है वो मैं हटा देता हूँ, जो अब आप देख चुके हैं गाइज। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से मैं एक फिबोनाची मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा ऊपर, देख सकते हैं नीचे, फिर हमने देखा एक मूवमेंट आई, और फिर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक मूवमेंट और देखी, देख सकते हैं गाइज ये एक पैटर्न बना है। अगर मैं इस लाइन को इधर से जोड़ दूँ और अगर मैं इस लाइन को इधर से जोड़ दूँ, सो गाइस ये कहलाता है एक बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न, एक ये बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न है। तो आप देख सकते हैं गाइस, जरूर देखिए गाइस, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने ये ड्रॉ करा, जब मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, तो मैंने क्या देखा, इस लेवल पे जब ये बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न बनता है तो इस ये जो लेवल होता है, ये लेवल होता है रिवर्सल साइन का। ये लेवल बताता है कि अब यहाँ से रिवर्स होने वाली है मार्केट, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जाके इसने एक बार सपोर्ट लिया, ये देख सकते हैं जो इसका प्रीवियस जहाँ से हमने स्टार्ट करा है, उसके बाद दोबारा नीचे आई, इसी लेवल पे जो रिवर्सल साइन था वहाँ पर दोबारा सपोर्ट लेके रिवर्स करी, नीचे आई, दोबारा रिवर्स लेके सपोर्ट करी और बाउंस बैक आया। तो इसका मतलब ये सजेस्ट कर रहा है कि बैंक निफ्टी में बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न बना था, और जब तक वो इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, यानी कि 26,550 के लेवल को ब्रेक नहीं करती, तब तक हम इस पे अपनी बाय पोजीशन बना के रखेंगे, और यहाँ से हर लेवल से हम इस पे अपनी बाय पोजीशन बना के रखेंगे, और जैसे ही इस लेवल को टेस्ट करता है हम अपसाइड की तरफ मूवमेंट की स्टार्ट कर देंगे, ठीक है गाइस। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब मैं सारी ट्रेंड लाइंस को हटा देता हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको किस लिए बताया, ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि एक पैटर्न डेवलप हुआ है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट के अंदर, और वीकली चार्ट के अंदर अब हम देखते हैं कि किस तरीके से काम होगा। जी गाइस, अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये पर्टिकुलर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी पे हमने देखा था, आप देख सकते हैं जुलाई के महीने में हमने देखा था, जुलाई के आसपास के महीने में ही हमने देखा था, 2019 की बात कर रहा हूँ, हमने 31,600 से एक गिरावट देखी, गिरावट इसे यहाँ तक ले गई, ठीक है गाइस। हमने देखा ये गिरावट आई, गिरावट इसे यहाँ तक ले गई, गिरावट जब आई उसे यहाँ तक ले गई, उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर एक रेंज में चला गया ये पैटर्न, और रेंज में पैटर्न जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक ये ऐसा बाउंस बैक आता है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि ये एक रेंज के अंदर चला गया था। सो गाइस आपको मैं अब क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये गिरावट आई, बैंक निफ्टी एक रेंज में गया, रेंज में जाने के बाद हमने एक दोबारा अपसाइड देखी। शोभा मैं आपको क्लियर व्यू से समझाता हूँ जी गाइस, अब मैं आपको एक क्लियर व्यू से समझाता हूँ कि मैंने ये क्यों आपको बाय के बारे में बताया था। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखा है, 50 डे का मूविंग एवरेज लगा रखा है। अगर अब आप इसकी तरफ देखेंगे गाइस, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हफ्ते से इस रेंज के अंदर ही था। हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने इसे तोड़ा, नीचे गया, हमने देखा 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा, पर रेड साइन में तोड़ा, मतलब आप देख सकते हैं रेड में तोड़ा, तो हम नहीं कह सकते थे ये बुलिश है। उसके बाद हमने दोबारा देखा, हमने देखा इस रेंज के अंदर ही क्लोजिंग दी, इसमें भी इस रेंज के अंदर क्लोजिंग दी, इधर भी रेंज के अंदर क्लोजिंग दी, इधर भी रेंज के अंदर क्लोजिंग दी, और अगले हफ्ते ये जो हमने देखा जो पिछला हफ्ता गया है, फ्राइडे के सेशन पे मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे को एक मूवमेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं जब ये पर्टिकुलर आप देखिए इसने इसको नीचे की तरफ ब्रेक करा,
हफ्ते का मैं आप देख सकते हैं, मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं, मैं वीकली चार्ट ओपन करा हुआ है। तो जब इसने 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करा, मतलब शेडो है पर ब्रेक तो करा है ना, जिस दिन इसने ये ब्रेक करा उस दिन डे क्या था? उस दिन डे था गाइस ट्यूजडे या वेडनेसडे। मतलब हमारे पास हफ्ता कंप्लीट होने के लिए 3 या 3 दिन का ट्रेडिंग टाइम था, 3 ट्रेडिंग सेशन हमारे पास बाकी थे। तो हम कह सकते थे हफ्ता क्लोजिंग होने से पहले पहले ये शायद इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे। हाँ, तो ये हम इस पर कोई भी हम एग्रेसिव बाय पोजिशन नहीं बनाते थे। इसमें मैंने आपको देख सकते थे कि इस पे इस लेवल पे जाके इसने अपनी क्लोजिंग दी थी गाइस, इस लेवल पे जाके अपनी क्लोजिंग दी थी 26,000 के आसपास, 700 के आसपास जाके क्लोजिंग दी थी। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि गाइस थर्सडे को क्लोजिंग मिली है, वो भी 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, वो भी वीकली चार्ट के अंदर। गाइस अगर फ्राइडे को ये इसके ऊपर बंद नहीं होता, अगर ये फ्राइडे को 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद नहीं होता तो बहुत तेजी से हम नीचे की तरफ गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जिस तरीके से मुझे लगता है कि इस पे ये इसके ऊपर जाएगा, और जैसे ही ये इंट्राडे के अंदर अपने 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, आप अपनी बाय पोजीशन खड़ा करिए, आप फ्यूचर उठाइए, आप ऑप्शन उठाइए, अपनी बाय पोजीशन खड़ा करिए और एक हफ्ते के लिए रुक जाइए। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको यहाँ से ये 2000 पॉइंट तक की या 1500 पॉइंट तक की रैली दे देगा, जो कि हम कह सकते थे, जो हम कह सकते थे जो 50 डे का मूविंग एवरेज है, और उसके ऊपर भी ब्रेकआउट देगा। ये बात भी मैंने आपको कही थी कि इसके ऊपर भी ब्रेकआउट देगा। क्यों देगा? उसका रीजन है मैकडी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कर्व कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पर ग्रीन बार्स हैं, वो एक रिवर्सल का साइन दिखा रही है। जब भी मैकडी ऐसे एक रिवर्सल का साइन दिखाती है तो वहां पर अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक बॉटम पे होता है तो मतलब इसका यही है कि वो एक अपर रेंज को जाएगा, अपर रेंज तक जाएगा और उसे ब्रेक करेगा। ब्रेक कर दिया गाइस। तो अगर ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब हमारा जो टारगेट है, जो अब मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, वो टारगेट क्या है गाइस? मेरा जो टारगेट है वो मेरा टारगेट सिंपल है, जहाँ से वो गिरना शुरू कर रहा था वो वहाँ लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा, जो कि यानी कि अभी 30,500 पे क्लोजिंग है। तो यहाँ से 1000 पॉइंट या 1200 पॉइंट तक की रैली में एक और एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो कल आएगी, हो सकता है ये जो हमने 4000 पॉइंट की रैली देखी है के अंदर, अब वो थोड़ा बहुत भाई कंसोलिडेट करे, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ जाए, हमें बाय पोजीशन दे। अब वो कैसे करना है, अब मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ। तो मैं अब अपना फिबोनाची का लेवल लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि यही मुझे बताएगा कि क्या करना है। सो गाइस फिबोनाची का लेवल अब मैं लगा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, जो टॉप है और जो बॉटम है, मैंने फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल लगा दिया। अब हमने देखा इस लेवल से बाय करना था हमें फ्राइडे को, 26,900 या 27,000 के लेवल से बाय करना था। हमारा टारगेट क्या था? 27,000 के लेवल पे बाय करोगे गाइस तो 28,400 का टारगेट आपको मिल जाएगा, जो कि 50 दिन का मूविंग एवरेज है, वो आपको उस दिन मिल गया। दूसरी बात, 1500 पॉइंट की रैली मैंने आपको आराम से करवा दी अगले दिन के लिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने देखा कि वो ऊपर बढ़ते रहा बढ़ते रहा, 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के पास आया, हमारे लिए एक और बाय पोजीशन बनती थी, और जो हमारा टारगेट होता वो होता 50% रिट्रेसमेंट लेवल। यहाँ पर भी अगर हम प्रॉफिट बुक करते, हमने देखा इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, अब नीचे क्लोजिंग दे दी, अब हम क्या करें? तो हमारे लिए बाय टारगेट अब आज के लिए मंडे के मार्केट के लिए क्या बनता था, हमारे मंडे के लिए मार्केट के लिए बनता था, जब भी ये 50% के ऊपर जाएगी तो हम अपनी बाय पोजीशन बनाएंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 61.8%। और जैसे ही 61.8% के ऊपर जाएगी, जो हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा वो गाइस सेम टारगेट होगा 100% जो इसका प्रीवियस हाई है। अब मार्केट ने रिएक्ट क्या करा, मार्केट ने रिएक्ट ये करा, हमने मार्केट में देखा कि सीधा वो खुली 61% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर, पर जब इसने लो मारा तो लो मारा, आप देख सकते हो एग्जैक्ट इसने 61% रिट्रेसमेंट लेवल पे लो मारा, हमें बाय का मौका दिया बैंक निफ्टी ने, एक बार नहीं दो बार ये लेवल को टेस्ट करा और 2 बार हमें बाय का मौका दिया। और अगर आप इस लेवल से बाय करते तो गाइज आपको 1000 पॉइंट की रैली दोबारा देखने को मिल जाती, गाइज आपको दोबारा देखने को मिल जाती। सेम तरीके से अब मुझे जो लगता है, जो इसने 4000 पॉइंट की रैली दी है गाइज, ये अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है। कंसोलिडेट करने पे अब हमारे लिए बाय लेवल कब बनेगा, हमें अब बाय कब बनाना है, हमें बाय तब बनाना है जब ये आपको दोबारा 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास मिलती है, तो आप दोबारा एक बार बाय बनाइए, मतलब अपने आज के लो की तरफ मिलती है आसपास, बाय पोजिशन इनिशिएट करिए। और गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि
ये जो लेवल पे ओपन हुआ है और जो ये है यहाँ पर इसने गैप अप ओपनिंग दी है, यानी कि आप देख सकते हैं 29,400 से लेके ये कहाँ पर खुला है 29,700 पे, यानी कि इसने हम मान के चल सॉरी आप देख सकते हैं ये जो गैप है इस गैप को ये एक बार फिल जरूर करेगी, ये 400-500 पॉइंट के गैप को एक बार फिल जरूर करेगी। आज नहीं करेगी, कल नहीं करेगी, महीने के अंदर अंदर ही मुझे लगता है एक बार कर सकती है। सो ध्यान रख के अब हमें ट्रेड करना है बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैली हो चुकी है। मेरा गाइस जो अल्टीमेट टारगेट है जो मुझे लगता है एक बार ना एक बार जाके अपने प्रीवियस हाई को छू जाएगी और वहां पर एक शायद दोबारा एक फॉल आ जाए, पर एक बार इसको जाके छुएगी अक्टूबर सीरीज के अंदर अंदर मुझे लगता है इसको छू जाएगी। पर गाइस अब हमारे को क्या करना है, अब हमें बाय बनाना है जब ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के अंदर अंदर आपको मिलता है। तो अब गाइस दूसरी बात, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने यहाँ पर बना दिया टॉप और बॉटम लेके, अब हमें फिबोनाची उसका भी तो बनाना है गाइस। जो मैंने आपको बटरफ्लाई पैटर्न बनाया था, क्यों मैंने आपको ये बोला था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, क्यों वो अब हम देखते हैं। मैंने अपना यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बना दिया। अब गाइस अब आप देखिए एक सेकेंड जी गाइस, अब आप देखिए मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बनाया, आप देख सकते हैं कि ये मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया। मैं आपको एक बार सीधा बना के दिखा देता हूँ, मुझे टॉप से बॉटम बनाना है। ये मैंने फिबोनाची बना दी, अब आप देख सकते हैं 161.8% रिट्रेसमेंट लेवल का सपोर्ट है, यहाँ पर इसका सपोर्ट है, यहाँ पर हमारे लिए एक बाय पोजीशन बनती है गाइस, यहाँ पर हमारे लिए एक बाय पोजीशन बनती है। इस 50% रिट्रेसमेंट लेवल को तोड़ा, वहाँ पर हमने देखा था कि 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल को तोड़ा था अभी जब मैंने आपको यहाँ पर पूरा फिबोनाची बना के दिखाया था, बाय लेवल बनता है। दूसरी बात क्या बनता है बाय लेवल, अब देख सकते हैं 100% रिट्रेसमेंट लेवल था जो कि इसका प्रीवियस ये था, यहाँ पर भी बाय लेवल बनता है। अब इसका जो टारगेट है, टारगेट क्या है बटरफ्लाई बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न का, वो है 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि इसका है 30,500 का, और क्लोजिंग कहाँ पर दी है 30,500 पे इसने क्लोजिंग दी है, यानी कि आप देख सकते हैं इसका भी अगर आप देखेंगे तो इसने कहाँ सपोर्ट लिया 61% लेवल पे सपोर्ट लिया, क्लोजिंग कहाँ पर दी 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल। अब हमें बाय पोजीशन कब बनानी है, हमें बाय पोजीशन बनानी है कि गाइस ये मुझे लगता है कि ये इस रेंज के अंदर अभी थोड़ा टाइम काम करेगा, 38 से लेकर 61, यानी कि जो मैंने आपको अभी बताया था पुराने फिबोनाची पे कि 61 तक जा सकता है, वहाँ पर ये एक बार थोड़ा बहुत टाइम बिताएगा। अगर आपको इस 61 के नीचे मिलता है तो शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करिए, टारगेट आपका रहेगा 29,400 का। अगर आपको ये दोबारा कल 30,550 के ऊपर मिलता है तो आपका जो प्रीवियस हाई था, मतलब जो आपका जो कल आज का जो हाई है, आज का हाई आपका टारगेट होना चाहिए गाइस। अभी हम जो आप सोच रहे हो कि आपको फिर 1,000 पॉइंट की रैली मिल जाएगी, अभी हम नहीं, आपको 1,000 पॉइंट की अब रैली दोबारा नहीं देखने को मिलेगी, अब आपको 300-400 पॉइंट तक की रैली पे ही ट्रेड करना पड़ेगा बैंक निफ्टी के अंदर। टाइम बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो बनाने में लगा दिया, तो मैं आपको निफ्टी भी आसान भाषा में एक बार बता देता हूँ। निफ्टी पे हमने जो बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न की बात करी है वो अच्छे से नहीं बना, तो मैं उसकी तरफ नहीं बढ़ूंगा। तो निफ्टी पे भी आप देख सकते हैं कि आप देखिए गाइस कि निफ्टी ने डेली चार्ट में क्या करा था, बस एक बार ये देख लीजिए डेली चार्ट पे इसने क्या करा था तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, डेली चार्ट पे नहीं सॉरी वीकली चार्ट पे देख सकते हैं कि इसने इसमें भी एग्जैक्ट 100 रिट्रेसमेंट लेवल, जो 100 EMA था और 50 EMA था, इस रेंज के अंदर काम कर रहा था, इस रेंज पे भी काम कर रहा था। हमने देखा था कि जब इसने इस परसेंट को छुआ, जब ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गया, तब ट्यूसडे का दिन था गाइस, हमारे पास तीन ट्रेडिंग या चार ट्रेडिंग सेशन थे इस पे, ऊपर जाने पे क्लोजिंग देने पे, और इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर इसने जो गिरावट, आप देख सकते हैं कि थर्सडे को मार्केट कब बंद हुई थी, 10,700 पे बंद हुई थी, यानी कि 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुई थी। हमारे लिए एक ही दिन था गाइस कि इसके ऊपर जाके बंद होना चाहिए, यानी कि मार्केट को 10,850 के ऊपर जाके बंद होना पड़ेगा, यानी कि मार्केट को फ्राइडे को 150 पॉइंट की रैली तो मिनिमम देनी ही पड़ेगी, तभी हम अपने बाय जोन की तरफ जाएंगे और बाय करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 11,150 या 11,150 के ऊपर। सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि मैकडी ने भी रिवर्सल ऐसे आप देख सकते हैं दिखा दिया था। सो मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि एक भयंकर मार्क निफ्टी पे भविष्य इसका निफ्टी तय करेगी फ्राइडे का दिन, और वो आप देख सकते हैं कि गाइस भविष्य तय कर ही चुका है। सिर्फ चार्ट हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं गाइस। अब देखना हमें क्या है, आज के इंटरडे पे मार्केट ने 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को तोड़ा था, कुछ टाइम के लिए तोड़ा था, 20-30 पॉइंट या 40 पॉइंट के लिए ही हमने देखा था कि
निफ्टी ने तोड़ा था, कोई बात नहीं अगर तोड़ा था गाइस, पर हमारे लिए दोबारा एक बाय कब बनेगा, जब ये दोबारा हमें 11,500 की तरफ मिलता है तो हम दोबारा एक बाय पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ जो इसका आज का हाई था 11,700 का। 11,500 से बाय पोजीशन बना के 11,700 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर 11,500 या 11,400 अपने प्रीवियस लो को तोड़ती है जो कि इसका था 11,460 के लेवल को तोड़ती है, तो हमारा जो टारगेट बनेगा वो गाइस बनेगा 11,300 या 11,350 का टारगेट। आपको आप नोट कर लीजिए मेरे लेवल्स, 11,460 टूटेगा, 11,350 से 11,300 का टारगेट होगा, 11,500 के ऊपर सस्टेन करता है और उसके आसपास अगर आपको मिलता है तो एक बार आप रिस्क ट्रेड लेके आप एक बार दोबारा बाय पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 11,700। और अगर कल मार्केट अपने आज के हाई के ऊपर खुलती है तो भी आपको एक बाय पोजीशन बनानी है, और बाय पोजीशन अगर आप बनाएंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो 12,045 का होना चाहिए जो कि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। और बैंक निफ्टी में भी आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर प्रीवियस हाई की तरफ कल खुलती है, प्रीवियस हाई जो कि 30,800 के पास खुलती है कल मार्केट, तो उसके ऊपर अगर खुलती है तो मैं आपसे कह रहा हूँ और सस्टेन करती है तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 31,700-31,800 तक का टारगेट मिल सकता है। कल भी नहीं मिलेगा गाइस तो परसों मिल जाएगा, पर मैं मिल सकता है तो क्योंकि पूरा हफ्ता बाकी है, मुझे लगता है इस एक्सपायरी तक हमें बहुत अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल जाएगी। सो गाइस ये आप देख सकते हैं कि रेंज है, ये रेंज ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा था अपने कोर्स पे कैसे पता लगाना है, ये पैटर्न्स की बात कर रहा था कि आपको कब बाय रिवर्सल मिलेगा क्या मिलेगा। तो मेरा कोर्स जाके आप ज़रूर परस्यू करिए गाइस, आप मेरे यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे मेरा नाम शिवांश भसीन तो गाइस आप वहाँ पर अगर मेरे चैनल पे जाएंगे आपको मेरी वहाँ वीडियोस मिलेंगी, जो मेरी तीसरी वीडियो जो मैं अपलोड करी है वो तीसरी वीडियो है स्टॉक मार्केट कोर्स के ऊपर जो मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आपके साथ लाइफ टाइम का इंटरेक्शन मेरे साथ रहेगा, व्हाट्सएप पे हम हमेशा बात करेंगे एक ग्रुप के थ्रू। गाइस जाके उसे ज़रूर देखिए और वॉच करिए और आपको पता चल जाएगा गाइस कि कैसे मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा दूंगा कि आप खुद भी ट्रेड ले पाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो के साथ, मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ, अलविदा।